हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। दोस्तों 80s और 90s के दौर में एक मैगजीन आती थी द इलस्ट्रेटेड वीकली। अब उस वक्त बहुत सारी मैगजीन आती थी, स्टारडस्ट, फिल्म फेयर तो अभी भी आती है, मायापुरी, आर पार, फिल्म सिटी, लॉट ऑफ मैगजीन। तो ये एक मैगजीन थी द इलस्ट्रेटेड वीकली जो बॉलीवुड की न्यूज़ देती थी। तो उन्होंने 1990 में एक फ्रंट पेज पे एक बच्चन साहब का फोटो छापा था और नीचे लिखा था फिनिश्ड। मतलब उस वक्त गंगा जमुना सरस्वती, मनमोहन देसाई एंड अमिताभ बच्चन का कॉम्बिनेशन था और वो फिल्म उतनी नहीं चली थी। हालांकि गंगा जमुना सरस्वती, बच्चन साहब, मिथुन चक्रवर्ती, मीनाक्षी सेजादरी, जया प्रदा सब थे, लेकिन वो फिल्म लोगों को उतनी पसंद नहीं आई थी। हालांकि फिल्म ने बिजनेस अच्छा किया था, लेकिन जिस तरह से अमिताभ बच्चन, मनमोहन देसाई का जो कॉम्बिनेशन था उसके मुकाबले फिल्म थोड़ी कमज़ोर पड़ गई थी। तो वो फिल्म वो कमाल नहीं कर पाई जो अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई ने अपनी पिछली फिल्मों में कमाल किया था। तो ये मैगजीन ने क्या लिख दिया, इट्स अमिताभ बच्चन इज फिनिश्ड। ये 34 ईयर्स पहले लिखा था उन्होंने, लेकिन अभी हंसी सबसे बड़ा जोक ये है कि ये इसका जो कवर पेज है वो भी वायरल हो रहा है सब जगह पे। तो ये इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि उस वक्त एक और मैगजीन ने लिखा था कि पंकज पराशर नाम का एक एक्टर बॉलीवुड में आया था, कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन विल नॉट नो हु इज पंकज पराशर। तो आपको मैं बता दूं, निकाह नाम की फिल्म आई थी बिया चोपड़ा की, सुपरहिट फिल्म थी, सलमा खान के साथ, राज बब्बर जी थे और पंकज पराशर भी उस पिक्चर में थे। सुपरहिट फिल्म हुई थी, ईद के दिन रिलीज हुई थी फिल्म, 80s के दौर में पिक्चर आई थी। शराबी पिक्चर में एक छोटा सा रोल किया था, इंस्पेक्टर का रोल, दैट इज पंकज पराशर। जब पंकज पराशर बॉलीवुड में आए तो किसी उल्लू के पट्टे, किसी मैगजीन ने, किसी रिपोर्टर ने क्या लिखा था, बच्चन प्लीज लीव द इंडस्ट्री, पंकज पराशर इज अराइव्ड। इससे बड़ा जोक मैंने कभी पढ़ा नहीं ना कभी सुना रहेगा। पंकज पराशर हैज अराइव्ड, बच्चन लीव द इंडस्ट्री, मतलब ये कब्जा कर देगा पंकज पराशर। हालांकि 95% पॉपुलेशन को तो पता ही नहीं रहेगा पंकज पराशर कौन है। अभी मैंने बताया तो आप गूगल करोगे तो आपको पता है ये पंकज पराशर है। इसमें से क्या खास बात है जो अमिताभ बच्चन पर हावी जाएगा। तो बाद में वो मैगजीन भी गुल हो गए, पंकज पराशर भी गुल हो गए। और जो इलस्ट्रेटेड मैगजीन थी ना, जिन्होंने 34 ईयर्स पहले लिखा था कि अमिताभ बच्चन इज फिनिश्ड, तो अमिताभ बच्चन तो 82 ईयर्स में भी बॉलीवुड क्या पूरी दुनिया पे रूल कर रहे हैं। और इलस्ट्रेटेड वीकली जो मैगजीन थी वो सालों पहले खत्म हो गई, बंद हो गई। तो वो लोग ने लिखा था बच्चन इज फिनिश्ड, एक्चुअली दिस पीपल आर फिनिश्ड, द मैगजीन इज फिनिश्ड। सी, इतना बड़ा जोक हो गया ये मैगजीन के लिए। तो छापने से पहले ये जो भी लोग हैं उनको सब सोच समझ के छापना चाहिए क्या आप छाप रहे हो और किसके बारे में छाप रहे हो। एक दो फिल्म फ्लॉप होने से अमिताभ बच्चन थोड़ी फिनिश होएगा दोस्तों। 82 ईयर्स में भी उन्होंने काल्कि में स्टॉर्म द स्क्रीन। तो अभी भी जो मैगजीन है तो लोग जरा सोच समझ के छापो और किसके लिए छाप रहे हो, किसके ऊपर छाप रहे हो, किसके ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हो, जरा सोच समझ के लिखिए, वरना आपका भी वही हाल होगा जो इलस्ट्रेटेड मैगजीन का होगा। तो कीप वॉचिंग माई चैनल बॉबी द मैटिनी आइडल, सेइंग गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।